एभिस्त्रिवर्णैपरियस्तैर् बुद्धिवेदैक्रियोद्भवैः स्वरूपम् आत्मनो बुद्ध्येत् गन्धैर्वायुमिवान्वयात्। इस पर विचार हुआ था। त्रिविगुणात्मक ही वर्ण ही क्रियोद्वय जो अप्रिय कर्मजन्य त्रिगुणात्मक इस जगत के बुद्धि के द्वारा त्रिगुणात्मक होने के कारण से ही हाँ वही कर्म कर्तृत्व भाव से युक्त होकर के स्वरूपम आत्मन बुद्धेत उस प्रकार से स्वरूप को स्वरूपत आत्मा को ग्रहण करनी चाहिए। आत्मन स्वरूपम आत्मा के स्वरूप को अनुभव करना चाहिए। उस गंध के माध्यम से गंध ग्रहण के माध्यम से जिस तरह वायु को भी ग्रहण कर लेते हो उसी प्रकार क्योंकि प्रत्येक वृत्ति के साथ में चैतन्य का अभिव्यक्ति है ही है। अतएव वृत्ति के साथ साथ विषयों के ग्रहण के साथ साथ भी चैतन्य का अनुभव कर सकते हैं। ये जो है आपका प्रतिबोध विदितम मतम यज्ञ उपनिषद का वचन को एक तरह से इसने कह दिया है प्रहलाद ने। एतद् द्वारो ही संसारो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूलोपार्थोपि पुंस स्वप्न इष्यते। एतद् द्वारो ही संसारो कहते बस बुद्धि के द्वारा ही अतः बुद्धि की अवस्थाओं के द्वारा ही संसार का अनुभव होता है। स्वतः कोई संसार नाम का वस्तु नहीं होता। यस्मात् बुद्धेर ये गुणाः कर्माणि च तैर निबध्यते जिसके लिए कि गुण कर्म निबंधना बुद्धि के द्वारा ही निर्मित जो गुणमयी जो वृत्तियां हैं और तज्जन्य जो कर्म है इन्हीं के द्वारा बंधन को प्राप्त करते हैं और बंधन प्राप्ति संसार है। और ये सब कैसा है अज्ञान मूल। तो बुद्धि कैसे कर रही है बुद्धि कहां से आ गई कि तो अज्ञान मूल है। अज्ञान ही है मूल कारण जिसका अविद्या ही है मूल कारण जिसका। ऐसे यह संसार जो है ना इसी घर से अनुभव में आता है। अपार्थोपि सन यद्यपि मिथ्या है व्यर्थ है फिर भी यह पुरुष अपने अज्ञान के वजह से जैसा रोज रोज अच्छा स्वप्न देखने की इच्छा करता है वैसे संसार की भी इच्छा कर रहा है। पुंस स्वप्न वैश्यते स्वप्न इव यथा तुमसे इष्यते तथा इव यत्रापि इष्यते। अब कहते हैं कि ठीक है लेकिन जिस प्रकार से औपाधि की ये सारी चीजें यदि हैं अज्ञान की हम निवृत्ति करें कैसे अज्ञान कैसे निवृत्त होगा। जैसे कुसुम औपाधि का गंध वायु में है वास्तव वायु में कोई गंध नहीं उसी प्रकार से बुद्धि आदि उपाधि चिन्ह ही सुख दुख आदि को लेकर संसार जो आत्मा में आरोपित हो गया है लेकिन उस आरोप को दूर तो कैसे करें हम। जैसे वायु कुसुम संबंध को खत्म कर देंगे तो कुसुम में का गंध वायु में नहीं आएगा। इसी तरह से हमें इस बुद्धि और आत्मा का कोई संबंध कहीं होगी कुछ ना कुछ होगा उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि जो है ये दूर हो जाए। तब जवाब तो दे दिया अज्ञान मूल है ये सब अज्ञान को तोड़ो अज्ञान को दूर करो तो अज्ञान दूर कैसे होगा। तब कहते हैं तस्मा भवद्भि कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरण योग प्रभाव परमोधिय। इसलिए आप लोगों के कर्तव्य यही है इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जो प्रवाह कारण जो बीज है अज्ञान है उसको नाश करना निर्हरणं कर्तव्य। जिसलिए ऐसा है इसलिए आपको इस बीज का ही नाश करना पड़ेगा। वो कैसा होगा उसके लिए योग कहते योग को अपनाओ। कथम भूत योग दिय प्रवाहम जागरदादि रूपम उपरमयति येन तत् योग। बुद्धि का ये जो जागरदादि रूपेण वृत्ति प्रवाह है यह वृत्ति प्रवाह को समाप्त करना ही योग। इसका उपराम जिससे हो जाए उसे ना योग है। इसको ना योग चित्तवृत्ति चित्तवृत्ति का स्वाभाविक प्रभाव क्या है जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी अवस्थाओं में परिणत होकर अनुभव में आ रहा है उन वृत्ति प्रवाहों को अवरुद्ध कर देने का नाम ही निरोध है। अवरुद्ध करने का मतलब क्या होता है वहां पर भी कह दिया करे तो रोक तो सकता नहीं कोई कोई रख सकता है क्या वृत्ति को वृत्तियों को रोक करके कोई जो है किसी प्रकार का अनुभव ही नहीं कर सकता। इसे कहते हैं वृत्तियों को स्वरूपाकार कर देना। उस निरुद्ध अवस्था में होता क्या है तो इसलिए कहा अगला ही सूत्र तदा दृष्ट स्वरूपे
वह दृष्टो अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के स्वरूप का अनुभव करते रहता है, अर्थात स्वरूप आकार वृत्ति चलती रही है, उसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते वेदांती लोग, स्वरूपानुकर वृत्ति कहते योगी लोग। तारस वृत्तियों को ग्रहण करके हमें रहना पड़ता है, इसी का नाम निरुद्ध अवस्था वाली वृत्तियां। तो इसलिए कहते हैं कि देखो बीज निर्धारणम त्रिगुणात्मक कर्मणाम कर्तव्य भवति भी त्रिगुणात्मनाम कर्मणाम बीज निर्धारणम कर्तव्य, त्रिगुणात्मक इन कर्मों का बीज को दूर करना ही आपका मुख्य कर्तव्य होता है। योग प्रवाह प्रमोदयः धियः प्रभाव परमः योग, इस बुद्धि की वृत्तियों के प्रवाह का उपरम का साधन क्या है, कहते योग है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। अच्छा अर्थात जो बीज क्या था वो अज्ञान, अज्ञान में बीज का ही नाश करना है, निर्हरणम माने दहनम। तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतो उदितः यदि ईश्वरे भगवती यथा यही रंजसारति। वह योग भी एक नहीं, सैकड़ों प्रकार के योग है, और आजकल तो सब मॉडर्न योग बहुत आ रहा है, नहीं मॉडर्न गुरु लोग है, मॉडर्न योगा है। अभी कुछ लोग दिन पहले एक मैगजीन छपाया है, इंडिया टुडे वाले ही शायद छपाए, मॉडर्न गुरुस ऑफ इंडिया, वैसे दुनिया भर आधुनिक गुरु जो है नए नए जो ड्रामा रच रहे हैं, एक से एक सूर्य गुरु पत्नी क्या क्या गुरु दुनिया भर छपाया, उसे औरतें गुरु बनी हुई हैं, एक से उठपटांग काम हो रहा है, बहुत दुनिया भर छापा उसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के इकट्ठा कर लेते हैं ये लोग, और दे दिया कि हम लोग कभी सुने भी नहीं है, जानते भी नहीं, ऐसे ऐसे लोगों का नाम दे दिया, देश विदेश में लगता हल्का मचा रहे हैं आधुनिक गुरु लोग। और आधुनिक गुरु को कहना क्या, वो ना वेद पढ़े ना गीता पढ़े ना कुछ नहीं जानते, हाँ गुरु लोग हैं कुछ भी नहीं जानते, क्या है टीवी देख देख करके सीख ली है, उसी वाले अगर उल्टा पुल्टा खिचड़ी करके दे रहे दुनिया को नया बात करके, और लोग समझ रहे कि बहुत बड़ा सिद्ध गुरु से लगे हुए लोग उसका, अच्छे कलयुग गुरुओं का वर्णन। तो इस तरह से यहां पर भी देखिए कहते कि भाई योग तो अनेक है, अनेक मार्ग है, किस मार्ग से चले, और हर योगी जो अपना प्रचार कर रहे थे मेरे जैसा कोई नहीं जानता, हम जो बताएंगे सीधा आपको मोक्ष मिलेगा, सीधे मुक्ति का टिकट कटेगी, किस प्रक्रिया किस प्रक्रिया से जाओगे आप, राजयोग लय योग प्रेम योग अनेक प्रकार का योग, नहीं प्रेम योग भी तो योग है ना। हाँ हमारे प्रेमी गुरु थे, ऐसे कौन खाता था, परमहंस निगमानंद जी महाराज, उन्हें पुस्तक भी लिखा, ज्ञानी गुरु योगी गुरु तांत्रिक गुरु प्रेमी गुरु, चार पुस्तक है, तो प्रेम योग भी है, उसके द्वारा भी मुक्ति पाया लोगों ने, पाया नहीं पाया तो भगवान जाने, लेकिन हम लोग मान के चलते पा लिए हैं, है या नहीं। इसलिए कहता है कि भाई उपाय सहस्राणाम, उपाय तो एक नहीं, योग रूपी उपाय सैकड़ों हजारों प्रकार के उपाय, उनमें से भगवता उदित अयम भगवान के द्वारा माने वही नारद रूपी गुरु के द्वारा कथित हो यह जो मार्ग ना है सर्वश्रेष्ठ, यही अंजसा भगवती ईश्वरे यथारथि स्यात्, जिस प्रकार से अनायास भक्ति भगवान के चरणों में हो जाए उससे बढ़िया कोई योग नहीं है। कोई भी मार्ग हो सकता है, ये नहीं है कि अमुक यही होगा, कोई निश्चय नहीं है, किसके लिए कौन सा अनायास मार्ग होगा ये नहीं कहा जा सकता है, वो भैंस और हम वाली कहानी है, भैंस ही उसके लिए प्यारी बनी तो भाई ठीक है, भैंस का ही ध्यान करो, भैंस का ध्यान करते करते एकाग्र तो हो जाए, चित्त तो कहीं तो एकाग्र हो रहा है, किसकी पत्नी ही प्यारी लग रही है उसी को दिन रात चल, उसका ध्यान करो क्या दिक्कत है, लेकिन बाद में उसमें उस देवी को देखो उस परमात्मा को देखो, तो उसका ध्यान करते करते तद्रूप होने लगोगे तब भगवान को जोड़ देना उसमें, और उसी को हृदय भगवान को आपने देख लिया तो फिर वही माध्यम बन गया, आपके प्रतीक बन गया ना वो, और मंदिर में जाते गए मूर्ति है वहां, उस प्रतीक में भगवान की भावना करते कि नहीं करते, एक तो भावना करने के ऊपर ही तो निर्भर है ना, इसलिए आप जाओ जिसको जैसी अनायास ही भगवान के चरणों में भावना बन जाए वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग साधन है, इसे कोई एक विशेष साधन का नाम नहीं ले रहा है, कहते यही ही अंजसा ईश्वरे भगवती यथारथी स्यात् तदेव भगवतो हितैति
मत्य। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, उसको स्पष्ट कर रहा है, उसे भी अंतरंग धर्मों को बता रहा है। ये तो बता दिया, क्योंकि जो है भगवान ने कहा है यत करोषि दष्टासि जोषि दधासि यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भक्त्या माम अभी जानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः इत्यादि अनेक सब भक्ति को ही बताया। भक्तियों ने उपासना, क्योंकि उपासना के किए बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं पाया है। जब कल विचार चल रहा था ना, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन तीन को अपनाए बिना व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है जीवन में, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे बाह्य जीवन। आप देखिए, एक दुकानदार है, बैठा रहा था ऐसा, मेरे खोल दिया उसने 6 बजे 7 बजे, जब भी खोला अपने मक्खी मारे जा रहा है, भगाया जा रहा है, और बैठा हुआ है बेचारा, तब कर रहा है कि नहीं तब कर रहा है। वो देखते रहते सड़क पे कौन ग्राहक आ रहा है, कौन ग्राहक आ रहा है। उसके वहां चला गया तो देखे, अरे भगवान हमारे यहाँ भी भेज दो। प्रार्थना करते रहता है वहां बैठे बैठे, कितनी बड़ी तप कर रहा है, तप कर रहा है, और नित्य चिंतन की इसकी वही रेटों की स्वाध्याय कर रहा है ना, कौन सी कंपनी का क्या रेट चल रहा है। स्वाध्याय उसके अपने विषय का है, वो अपना उसका विषय वही है ना, उसका स्वाध्याय करने में लगा हुआ है, वो मार्केट स्टडी हो रहा है ना उसका। और ईश्वर प्रणिधान कर रहा, बार बार भगवान से प्रार्थना करता, अरे उधर भेज दिया आपने, एक आध यहां भी भेज दो भगवान। ईश्वर प्रणिधान तो कर ही रहा है, लेकिन भले वो भौतिक अर्थ के लिए कर रहा है, लेकिन वो भी तब स्वाध्याय प्रणिधान कर रहा है, अतएव वो सफल भी हो रहा है। जो ऐसा नहीं करेगा दुकानदार विफल हो जाता है, जो तप नहीं कर सकता वो दुकानदार विफल है। स्वाध्याय भी करना पड़ेगा उसको, अपने मार्केट को ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ रेट बढ़ रहा है, कहाँ रेट घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या पूरा ध्यान रखना पड़ता है उसको। नहीं ध्यान रखते विफल हो जाएगा, और ध्यान नहीं दिया वहां रेट बढ़ा हुआ है, उसने सस्ते में दे रहा है तो लोग अगर खरीद के ले जाएंगे, लाभ कहाँ मिला उसको, असली लाभ तो मिली नहीं। एक महात्मा जो है बनारस के पास में, बहुत पहले की कहानी, अंग्रेजों के जमाने की कहानी था, उसने क्या किया, वहां गांव में जो बनिया लोग थे वो अपने जो शहर से जौनपुर जाकर के व्यापार करके आते थे, अब पता नहीं उनको क्या दिमाग में आया, अब जो इस साल सारा रुई नष्ट होने वाला है, ऐसे उन्हें पता नहीं भाषित हो गया, उन्हें खटी थी, सब बनियों को बोला हम जितना भी हमारे पास पैसा ले जाओ, और भी तुम्हें जितना पैसे सर लो, और जितनी रुई वर्तमान स्टॉक में सब खरीद लो। हाँ, खूब खरीदे लोगों ने, खरीद करके अपना स्टॉक कर दिया। अब कई लोग डर भी रहे थे, चल बाबा जी कह रहे तो मान लो, हुआ क्या, दूसरे साल उस साल का जो फसल था सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अब स्टॉक किसके पास है, देशों की रुई यही नहीं, अब अंग्रेज भागे फिरे, कॉटन फैक्ट्री और जिसमें शुरू किए थे कॉटन मिल्स नए नए भारत में, अब फैक्ट्री में रुई है नहीं, फैक्ट्री बंद, और रुई ढूंढे तो जौनपुर में सारे इकट्ठा। उन्होंने कहा भाई बस 5 रुपए की जो रुई थी उन्होंने 50 रुपए में सब बेच दी एकदम। अब सरकार को उस समय अंग्रेज सरकार थी, खरीदना पड़ा मजबूरी में। और महात्मा ने कहा कि देखो भाई, हमने हमारे पास जितना रुई तो हम 50 बेच रहे हैं, तुम लोग बेच रहे हो, उसमें से 25 तुम्हारी 25 मेरी होगी। बाबा जी पैसा क्या करेगा, लेकिन ईमानदार सबने दे दिया, 20 रुपए वैसे भी लाभ मिल रहा था, क्या दिक्कत है, सबने दे दी। उन्हें वहां समस्या क्या थी, वास्तव में बाढ़ आती थी और पुल नहीं था गंगा पार के लिए, उन्होंने पहाड़ का संरक्षण बनाया उसी पैसे से और पुल निर्माण कर दिया। आज उस पुल का नाम सदानंद पुल, उस महाराज जी के नाम पे ही है। मैंने ये व्यापार की दृष्टि वाला का खोपड़ी जो होता है, वो थे भी बनिया सोनार के घर के थे ना, उसी दिमाग भी ऐसे था, तो संस्कार कहा जाता, वो संस्कार तो था ना, वो संस्कार के हिसाब से स्वाध्याय थी ना, मार्केट स्टडी, इसको बोलते मार्केट स्टडी करना। इसलिए व्यापारी भी हो चाहे कोई भी, तब स्वाध्याय प्रधान के बिना कोई अपना जीवन में कोई भी कर्म कर रहा हो, किसी भी तरह का हो, उसको सफल होना के लिए करना ही पड़ता है। इसे हमारे गुरु जी कहते हैं, तुम्हें क्या मालूम एक वेश्या भी पूरी इंटरनेशनल मार्केट स्टडी करती रहती है। जब स्वाध्याय के महत्व बताने लगते थे तब बोलते थे, वो भी देखते हैं कहां कितना महत्व हो रहा है वेश्याओं के, वहां पहुंच जाएंगी, वो वहां वैल्यू बढ़ रहा है तो चलो भाई वहां मार्केट अब टॉप में चल रहा है, वहां चलते हैं। मैंने उनको भी अपने जीवन को सफल करने के लिए स्व विषय का स्वाध्याय जरूरी है। तो आप तो साधक हैं, आपको तो अत्यंत आवश्यक है, फिर तो यदि अपनी साधना में जीवन में सफल होना है आपको तो अवश्य ही स्व विषय पूता शास्त्रों का स्वाध्याय करते ही रहना पड़ेगा, तभी विवेक वैराग्य सब टिका रहता है। कम से कम आप
यहाँ पर 24 घंटे में से 3 घंटे यहाँ का बैठते हो, कुछ विवेक वगैरह की बात सुनते हो, वो 3 घंटे का जो सुना हो कम से कम और 10 घंटा तो टिकता होगा, बाकी 14 घंटा मन भले शैतानी करे, यही बहुत है, यही जीवन की सफलता है। इसलिए स्वाध्याय करने से व्यक्ति, इसलिए पहले जमाने के हर आश्रम में एक योग वासिष्ठ का पाठ रखते थे, कहीं कोई ग्रंथ को एक घंटा महिमन के बाद या आरती वगैरह के बाद पाठ करते थे। कारण क्या था? इसलिए ही था कि भाई वो स्वाध्याय करते रहेंगे तो विवेक वैराग्य वगैरह सम्यक बना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं मामला। इसलिए यहां पर भी कहता है देखो ये सब कब हो सकता है, लेकिन तपस्वाध्याय प्रणिधान होने के लिए भी पहले उसके भी अंतरंग से कुछ साधन है, जो व्यक्ति उनको अपनाएगा वही व्यक्ति तपस्वाध्याय प्रदान कर सकता है। जैसे लौकिक की क्रियाकला में भी उस्ताद बनाते हैं, उस्ताद बोलते हैं, गुरु बनाते हैं ना वो लोग भी उस्ताद, चाहे आप कपड़ा बेचने वाला हो, हर व्यक्ति का अपना एक गुरु होता है, वहां भी ना गुरु बनाना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु की गाली सुननी पड़ती है, तब जाकर के भी उस कार्य में सफल हो जाते हैं। तो यहां पर भी हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए कहता है गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणे नच संगेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधने नच। ये सब अंतरंग साधन है, गुरु की सेवा भक्ति से करना, भक्त्या गुरु शुश्रूषया, कैसी भक्ति हमें करनी है, गुरु सेवा से विशिष्ट हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी वह भक्ति सफल होती है। प्रेम से सर्वेशम लब्धानाम अर्पणे नच, जो कुछ प्राप्त हुआ शिष्य को वो सब गुरु के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, फिर गुरु उसको देगा वापस। आजकल बौद्धों में भी ये चीज अभी भी है, भिक्षा में जाते हैं बौद्ध भिक्षुक, विदेशों में भी थाईलैंड वगैरह में देख, बैंकॉक में वगैरह में, वो गलियों में फिक्स रहता है, अमुक गली में आज इतने भिक्षु जाएंगे, अमुक गली में जाते हैं, लोग वहां तैयार रहते हैं घरों के सामने खड़े, आज हमारे गली में आने वाले हैं, जिनको देना है वो तैयार है, सब साज वाज करके खाना पीना सब चीज उनमें डाल देते हैं, और वो उसको ले जाते हैं मोनेस्ट्री बोलते हैं वहां, वही अपने मठों में, वहां ले जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने कमरे में नहीं जाते, कोई भिक्षा अपने कमरे में नहीं, कमरे में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं ले जाए कमरे में, सीधा आते ही रसोई घर में जाते हैं, वहां सारी चीजें रख देते हैं, वो मोमबत्ती मिलता है, सब कुछ मिलता है, दारू मिलता है, मांस मिलता है, सब मिलता है, वहां की भिक्षा ऐसी होती है, और सारी चीज ले जाते वहां डाल देते हैं, और फिर क्या आया है वहां रसोई में रहने वाले जो शिष्य लोग हैं वो लोग उसको सब छांटते हैं, जैसे फल है केला, केला सब इकट्ठा कर दिया उसको, उसको टिकट सब इकट्ठा कर देते, ढेर लग जाता है, अलग 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 आइटम, दालें अलग कर दी, सब्जियां अलग कर, सब इकट्ठा हो, चावल अलग, सारे चावल इकट्ठा, अलग अलग क्वालिटी के चावल तो घर घर में बनते हैं, लेकिन सब इकट्ठा मिला देते हैं, फिर उसको गर्म वरम करा फिट कर, मोमबत्ती वगैरह हर चीज अलग अलग हो जाता है, और फिर घंटी लगती है बाजें भोजन के लिए, सब आएंगे अपने थाली कटोरा लेंगे, सब मिक्स वाला ही उनको मिलते जाता है, ध्यान वगैरह करने के लिए, ताटक करने के लिए मोमबत्ती माचिस सब दिया जाता है। अब आपको बड़े मोटा मिला होगा, लेकिन वहां जो लाइन में लगोगे पतली मिलेगी मोमबत्ती, बोल नहीं सकते अरे मैंने मोटा लाया था मेरे को वो दा नहीं, जो मिल गया बोल लो कि आपने अर्पण कर दिया गुरु को, और गुरु की अपनी व्यवस्था के साथ जो तुम्हारे भाग्य मिल रहा है उसे संतुष्ट में रहना पड़ेगा, ये वहां की अभी भी पद्धतियां हैं। सब कुछ जो प्राप्त है सर्वलब्धार्पण च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वर आराधने नच, और साधु भक्तों का जो सत्पुरुष है भगवान के परम भक्त है ऐसे लोगों का संग करनी चाहिए, और ईश्वर की विभिन्न प्रकार की आराधना यथा संभव यथा शक्ति यथा सामर्थ्य करते रहना चाहिए, उसी के द्वारा यह संभव है कि आपके द्वारा तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा। और भी अंतरंग साधनों को जोड़ रहे हैं, श्रद्धया तत्कथायांच कीर्तनेर गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुररुह ध्यानात् तल्लिंगे क्षारणादि भी, श्रद्धा पूर्वक उसकी कथा का श्रवण, तत्कथायाम श्रद्धया च कीर्तनेर गुण कर्मणाम, उसकी कथा में आपका श्रवण बुद्धि श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए, उसके गुण और उसके कर्मों का कीर्तन गाने में भी आप श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए, उस भगवान के चरण कमल अम्बुरुह मने कमल का ध्यान से लिंग इच्छा अरण आदि भी तस्लिंगारम मूर्ति नाम इक्षणम अरणम आदि ऐशाम, उनके भगवान की मूर्तियों का दर्शन करना, उसका जो है पूजा करना इत्यादि के द्वारा, जो है ना वंदना आदि के द्वारा उस भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करनी चाहिए। ये तो हो गए बाह्य साधनों को, पहले अंतरंग बता दिया फिर बाह्य बहिरंग साधन बता दिया,
बहिरंग साधन मूर्ति वगैरह हो गया, कथा श्रवण ही बहिरंग है। और बाकी सब अंतरंग थी, गुरु की सेवा अंदर से होता है, भाव से, बाह्य से नहीं। गुरु शुश्रूषा है, भक्ति है, सर्वलब्ध का जो अर्पण है, ये भी सब आंतरिक चीज है, अंतरंग साधन है। और बहिरंग में मूर्ति की पूजा हुआ, मूर्ति की सेवा हुई, कथा का सुनने, जहां कथा हो रहा है वहां चले गए सुनने के लिए, है कि नहीं, श्रद्धा पूर्वक। ये सब चीज जब बहिरंग साधन हो गया, और भगवान के चरण कमल का ध्यान भी एक अंतरंग साधन कोटि में है। इन सब से करना है, और कहते हरि सर्वेश भूतेश भगवान आस्त ईश्वर इति भूतानि मनसा काम स्थिस्ता साधु माने। और सभी प्राणियों को भगवान का मंदिर समझना, इज द टेम्पल ऑफ गॉड्स कहते हैं। ये मंदिर है भगवान की, क्यों? सर्वेश भूतेशो हरि भगवान ईश्वरास्ते, सभी भूतों के अंदर भगवान ईश्वर विद्यमान है। इति भूतानि मनसा, इस प्रकार से मन के द्वारा भूतों के अंदर काम ही तय साधु माने, यह मानते हुए तय काम ही उन उन कामनाओं के द्वारा क्या करना है, उनकी सेवा करना है, उनका मान सम्मान करना है, ये तरीका है। तब क्या होगा, कहीं भी राग द्वेष आदि नाम की चीज नहीं रहेगा, सब एक समभाव समदृष्टि है, सभी ईश्वर का मकान है, सभी ईश्वर का जो है स्थिति इसके अंदर है, आज मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं ये भावना रहेगी, यानी मैं भक्त की सेवा कर रहा हूं, है ना, हमारे आश्रम का भक्त है तो हो गया, फिर ईश्वर वहां रह गया, फिर दूसरा है भेद आ गया। जब भेद बुद्धि हो गया, सर्वभूत में ईश्वर बुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं इस प्रकार से मान ये साधु मान ये एवं निर्जित षड वर्ग क्रियते भक्त ईश्वर वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम। इस प्रकार से निर्जित षड वर्ग, षण्णाम वर्गाणाम यदि समूह यदि षड वर्ग, कौन है वो सब, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्स्य रूप जो षट है, ये छह जो चीज है ना, इनको जीत करके, ये इंद्रियों के अंदर होने वाला, इंद्रियों को विषयों की ओर दौड़ा करके, वर्गीकृत करके, विभाजन पूर्वक, भेद बुद्धि पूर्वक, इन चीजों को छह को उत्पन्न करने वाला, इसका नाम षड वर्ग हो गया। छह चीजों को उत्पन्न करने के लिए ही इंद्रियों को वर्गीकृत करता है, भेद बुद्धि पूर्वक बाहर दौड़ाता है, जो उनका नाम षड वर्ग, उनको आपने क्या किया, जीत लिया। निर्जित षड वर्ग क्रियते भक्त ईश्वरे, वही व्यक्ति ऐसे ही लोगों के द्वारा भगवान में भक्ति ईश्वर भक्ति किया जा सकता है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। जिनके अंदर काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सरी है, वो लोग कैसे कर पाएंगे, वो लोग सभी के अंदर ईश्वर बुद्धि नहीं कर सकते, सभी के अंदर ईश्वर बुद्धि ही नहीं कर सकते। इसे कहा गया सभी के अंदर ईश्वर बुद्धि करना हो तो आपको सब कुछ छोड़ के बैठना पड़ेगा, उसके अंदर नहीं, क्योंकि आप जहां पर एक कोई कुटिया बना के बैठ गए, अगर खिचड़ी पकना चालू हो जाता है, फिर आप समझेंगे मेरा भगत हमारा कुटिया के खर्चा पानी सेवा देने वाला है, अब वो लोग दूसरे हैं, भेद बुद्धि आई जाए। चाहे जितना कोशिश करके देख लो, कुटी चक्र हो गया, जो कुटिया बना लिया, यदि उसने विशिष्ट प्रकार से वेदांत चिंतन मनन करके ठोस अभ्यास वाला नहीं है, तो अवश्य ही वो इस जाल में फंस जाएगा, भेद बुद्धि उसके आ ही जाए। आज वेदांत को दृढ़तर अभ्यास करके, ठोस ठोस करके अपने अंदर भरा पड़ा है, वासना बना लिया है, वेदांत वासना से जो संपन्न व्यक्ति होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आश्रम को दो कौड़ी देने वाला आ रहा है, चाहे बिना कौड़ी देने वाला नहीं आ रहा है, या आश्रम को ठक कर कुछ ले जाने वाला भी आ जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है मिथ्या के दृश्य हो रहा है, ले गया तो भी दृश्य, दे गया तो भी दृश्य, फर्क क्या पड़ा उसको, दोनों दृश्यों में से किसी भी दृश्य के प्रति अहंता ममता नहीं रहती है। और जो वेदांत वासना सुदृढ़ नहीं है जिसका, वो व्यक्ति कुटिया सुटिया बना लिया तो राग द्वेष में फंस गया, वो बच नहीं सकता, व्यवहार में पता भी लग जाता है ना, पराया और अपरापन के साथ व्यवहार हो रहा है, अब भक्तों में भी पराया और इसमें भक्तों में भी अंतर, हाँ, किसी भक्त के लिए स्वयं पराठा लगा करके मक्खन लगा कर ले जाएंगे कमरे में, किसी भक्त के लिए घंटी लगी है जाओ उधर साधारण चाय पी, बस साधारण चाय पी रहा बेचारा, स्पेशल चाय नहीं। ये भक्तों में भेद करने लग जाते हैं नोटों के आधार पर,
क्यों हो रहा है? नोट के आधार पर तो हो रहा है, ये भेदभाव आगे कि नहीं आ गया? समय कहां से ईश्वर बुद्धि बनेगा? वैसे कि स्पेशल ईश्वर आ गया है, उसको पराठे खिलाओगे, और इसको क्या डुप्लीकेट ईश्वर है कि उसको नहीं खिलाओगे? तो ये बड़ा कठिन काम है। इसीलिए व्यवहार जो है ना, इसलिए कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो तो व्यवहार से बच के ही रहना चाहिए। इसलिए एकांतवास साधना की रखा ना, इसलिए एकांतवास करो, ये सारे जंजाल से रहित रहना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, महंत बनना पड़ जाता, कुछ होना पड़ जाता, बड़ा मुसीबत है। नहीं हाँ, मंडलेश्वर बनने की इच्छा रखते हैं ना, संभल के रहना पड़ेगा। इसलिए कई लोग चोटी रखे हुए हैं कि उसकी कीमत है। हाँ, कई लोग इसलिए चोटी रखे हैं। शुरू शुरू में कैलाश आश्रम में जब आए, लोगों ने हमसे कहा अरे नया नया था ना, कर चोटी रख लो, तो बड़ा बड़ा बुद्धि तेज है तो चोटी रख लो। मैंने समझा नहीं क्यों, क्या वैल्यू है। तो बहुत बार हमारे जो लघु के आचार्य थे, ब्रह्मचारी रामानंद जी महाराज थे, तो मैंने उनसे कहा क्यों ये लोग हमको तंग करके बोल रहे चोटी रखो, तो सन्यासी हो गए अब क्यों फिर चोटी रखेंगे हम? वो कहते तुमको पता नहीं चोटी का असली वैल्यू है। कैसे? हाँ, अरे चोटी तुम्हारे पास रहेगा और तुम विद्वान हो जाओगे तो हर मंडलेश्वर तुमको चाहेगा। हर व्यक्ति बोलेगा मेरे पास आ जाओ, मेरा हो जाओ, मेरा हो जाओ, मेरा हो जाओ। मैंने कहा हम बकरी हैं क्या, मेरे मेरे करने लगे? ऐसा भी बकरी नहीं बनना, वैसे बलि का बकरा बन जाएंगे फिर। इसलिए अच्छा है हम उसे बच के ही रहे ना, हमने चोटी तो रख रहे हैं ना, हम तो सन्यासी हो चुके, एक बार हो गया सो हो गया, अब नहीं लौटेगा मामला। कई लोग इसलिए ही चोटी रख रहे हैं कि कहीं गद्दी मिलेगा, तो वो पहले से भेद बुद्धि पूर्वक देख रहा है ना, व्यवस्था को देख रहा है, तो कहां से वहां साधना होगा, कहां भक्ति होगी, कहां भजन होगा, सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं जो लोग इस षड वर्ग को जीत चुके हैं उन्हीं लोगों के द्वारा भक्ति ऋश्वरे क्रियते। वासुदेवे भगवती यया संलभते रथिम, वासुदेव भगवान में जिस भगत के भक्ति के द्वारा रति की सम्यक प्रकार लाभ हो सकता है, वह भक्ति उन्हीं लोगों के द्वारा हो सकता है जो ये षड वर्ग को जीत चुके हैं। निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीर्याणि लीला तन विकृतानि यदाति हर्षोत् पुलकाश्रु गदगदम् प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। एक और भी समस्या हो जाता है, ये साधक जब साधना करने लगता है ना, उसके साथ कई समस्या आ जाती है, लज्जा होती है उसके अंदर, लोग क्या कहेंगे, भाव जग गया है लेकिन गा नहीं पाते भगवान का नाम, हो लोग क्या कहेंगे, डांटेंगे, ये क्या नाच रहे हो भाई, क्या चिल्ला रहे हो, हैं? कई बार ऐसे होता है हमारे यहाँ भगत है, वो नाचन गाने लगते हैं और बड़ी ताली बजाते हैं मग्न, अब पड़ोसी कमरे वाले पर क्या ताली बजाते, हल्ला मचाते रहता है, अब बेचारे परेशान, मेरे से आके कहे एक दिन सामने हम क्या करें, उनको डिस्टर्बेंस होता है, बोल रहे। मैंने कहा देखो तुम अपनी साधना में मस्त हो जाओ, तुम्हें ये सोचना नहीं किसको क्या हो रहा है, छोड़ दो, दुनिया तो ऐसी ही है। फिर हमने वही कहानी सुनाया गधे वाली, मैंने एक आदमी के पास एक छोटा सा गधा था, बच्चा गधा था वो, और उसके साथ एक बच्चा भी था, गटरी भी थी, वो गधा छोटा बच्चा समझ करके उस आदमी ने उस गटरी को अपने खोपड़ी पर रखा, बच्चे को बगल में लेकर के पैदल चल रहा, रास्ते में जाने वाला देखकर बोला ये कैसे आदमी है, गधा है तो गम गटरी तो रखता उसके ऊपर। ये सुनकर उसने ठीक कह रहा है, तो गधा काम इसीलिए, तो गधे का काम क्या है, यही तो है। उसने अपने गटरी को उस पर रख दी। थोड़ा और आगे के अगले ने कहा लो ये आदमी है, बच्चे को चलवा रहा है, गधे किसके लिए है, बच्चे को हम चढ़वा देना चाहिए, खुद भले पैदल चले, ठीक है भाई। उसने बच्चे को उस पर चढ़वा दिया, वहीं वो बेचारा बच्चा था ही वो गधा, वो हिलने लगा बेचारा, परेशान होने लगा उसी उतनी वजन से, अरे इतना बड़ा गठरी डाल दिया, उस बच्चे को बिठा दिया। फिर भी आगे जाते जाते और ने कहा अरे क्या आदमी है, देखो इतना भी अक्ल नहीं है, खुद बैठ जाते जल्दी पहुंच जाएगा, हंगते जा दौड़ाता उसको। मैंने ये बात भी ठीक है, और खुद जहां बैठा गधा वहीं बैठी गया, बच्चा था बेचारा कहां वो वजन ढोएगा वो। अभी तरह दूसरे डांटने लगा कैसे मूर्ख है ये, इसे ऐसे बैठ गया, वही वही बेचारा गधा ही बैठ गया जमीन पे, चलना ही बंद हो गया उसका, ऐसे दुर्दशा हो गई। अरे ये भी ठीक ही कह रहा, वो अपना खुद खड़ा हो गया। फिर और थोड़े आगे गया, देखो बेचारा लड़खड़ा रहा है, अकल नहीं इसको, बच्चा है आदमी चल सकता है, बच्चों चलवा था, बच्चे को उतार दिया। थोड़ा और आगे गया तो और नहीं डांट रही, गटर खोपड़ी पर वापस आ गया, अंत में वही आया कि नहीं आया स्थिति।
तो मैंने कहा दुनिया के चक्कर में रहोगे तो यही होगा, तुम वहीं का वहीं रह जाओगे, इसलिए चक्कर मत पड़ो, तुम अपना ताली बजाओ, नाचो जो चाहे सब करो, अपने भजन करो। तो यहाँ प्रहलाद जी वही कहते दुनिया में यही सबसे बड़ी कमी है, हम दूसरों को देखते हो क्या कहेगा है? अब सीधा बैठे, जब होगा नहीं होगा दिमाग कहाँ लगे कि लोग क्या कहेंगे भाई, यूं बैठेंगे तो कहेंगे ये जब कर रहे सो रहा है ये लोग कहेंगे ना, और लोगों के कहने के चक्कर में सीधे हो गए, और सीधे होने से जब होती नहीं क्या फायदा हुआ। दुनिया की जर कहाँ पढ़ रहे हो, अपने हिसाब से चलो। इसलिए प्रहलाद कहता है निशम्य कर्माणि गुणान् अतुल्यान्, अतुल्य गुणों से उत्पन्न कर्मों को देखते हुए वीर्याणि लीला तनुभिकृतानि, भगवान की जो है लीला में शरणों के द्वारा किए हुए विभिन्न सामर्थ्यवान कर्मों को, वह गुणान अतुल्यान अतुल्य गुणों के द्वारा किए जल कर्मों को भी आप नित्य चिंतन कीजिए। यदा अतिहर्ष, जब अतिहर्ष हो जाए, रुकना नहीं अपने आप को नाचने से, क्यों रोकोगे, नाचो जैसे आएगा वैसे नाचो, कोई जरूरी है भरतनाट्यम सीख के नाचूंगा है, बिना सीखे नाचो कोई बात नहीं। यदा अतिहर्ष उत्पुलक अश्रुकत गदम, जब अतिहर्ष हो जाए उत्पुलकता होगी, आंसू गिर पड़ेंगे, गदगद वाणी से जो बोल सको वही बोलो भगवान की स्तुति में। प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति, प्रकृष्ट उत्कंठा से उक्त होकर के आपको गाना चाहिए, नाचना चाहिए, रोना चाहिए, जो होता है होने देना चाहिए, तभी भक्ति प्रति पूर्ण रूपे ना फलीभूत हो सकती है। रोक दिया का मतलब अभी भेद बुद्धि है, कोई मेरे को देख रहा है, मेरे को क्या कहेगा, ये वो है, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। यदा ग्रहग्रस्त क्वचित धसती, आगे ना, आक्रंदते ध्यायति वंदते जनम, मुहु श्वसन वक्ति हरे जगतपते, नारायणायत्यात्मतिर्गतत्रपः गतत्रपः। निर्लज्ज होकर के उसको करना पड़ेगा, ये देखना नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है, क्या होता है क्या नहीं है, चाहे कोई निंदा करे चाहे आपके कर्मों की स्तुति करे, कोई मतलब नहीं है। निर्लज्जता पूर्वक आपको ये सब काम करना है, होने हो रहा है तो होने दो। जैसे यदा ग्रहग्रस्त युव ग्रहों से पीड़ित के समान कुछ धसती, पागल जैसे हंसता है, हंसो, कोई हंसी आ रही हंसो, क्या दिक्कत है, रोकना क्यों उसको, कुछ धसती आक्रंद दे, कभी जोर जोर से चिल्लाएगा नारायण राम करके चिल्लाते रहेगा, ध्यायति वंदते जनम, कभी तो भगवान का ध्यान करता है, कभी जो लोग जा रहे हैं तो उनको प्रणाम करता है, राम 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 बोलते रहेगा, जोर सड़क पे सबको राम राम बोलते रहेगा, क्यों सभी उसका राम दिख रहा है, लोग बोलेगे पागल है ऐसे सबको राम राम करते रहता है, लोगों को कहने दो। लेकिन आपकी अपनी भावनाओं को रोकना, भक्ति के कारण से आई हुई इस भावना को रोकना नहीं, और बनावट नाटक करोगे तो फंस ही जाओगे, बनावट नहीं करना सुन करके, हाँ ऐसे चालू कर दे सड़क में हंसने लगना है, तो पत्थर मारेंगे, वो स्वतः ही भक्ति के कारण से होनी चाहिए, है ना। यदा अति हर्ष उत्कंठा पर भक्ति के कारण से हो जाए तब जान के करोगे तो मार खाओ। वंदते जनम मुह श्वसन वक्ति हरे जगतपते, और बारंबार लंबी श्वास लेते हुए बोले लगता है हे जगतपते, हे हरे, हे नारायण, इति आत्मतिर्गत त्रपः, इस प्रकार से लज्जा आदि को त्याग करके वो आत्मबुद्धि कर लेता है। ऐसे ही है, शुरू से ऐसे रहा है, वो तो ही है, अब दुनिया वैसे नहीं है ना। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद्भाव भावानुकृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेन समेत्यधोक्षजम्। तदा इसलिए यदा ऐसा होता है तदा उस समय वह मनुष्य पुमान मुक्त समस्त बंधन समस्त प्रकार के बंधन से मुक्त होता है। तद्भाव भावानुकृताशयाकृति, तद्भाव अर्थात जब भगवान की जो भाव है तस्य भाव चेष्टा आदि तस्य भाव माने भावना तेन अनुकृते, उसी से उसकी वासनाएं भी तद्रूप हो जाती हैं और उसी के अनुसार उसका मन और शरीर व्यवहार करने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को कहते तद्भाव भावानुकृत आशयाकृति, भगवान की भक्ति भाव से भावित हुआ होने के कारण से उसी के अनुसार अनुकरण करने लगता है उसकी शरीर मन बुद्धि इंद्रिय सारी चीजें।
ऐसा जो व्यक्ति है वह मुक्त समस्त बंधन वाला होता है। निर्दग्ध बीजानुषयो, बीज सहित अज्ञान रूपा बीज सहित अन्य समस्त भेद और भयादि जो वासना है उन सबको जला दिया है उसने। भक्ति के माध्यम से उसने जो भेद निष्ठ वासनाएं, अज्ञान जन्य जो भेद निरूपित वासनाएं हैं, उन सबको उसने जला देता है। अतः निर्दग्ध बीजानुषयो, किससे किया उसने? भक्ति प्रयोगे न महीयसा, महान भक्ति का प्रयोग के द्वारा ऐसे कर लिया। अतएव अधोक्षजमेव समेति, वह अधोक्षज भगवान को ही वो सम्यक प्रकार से प्राप्त कर जाता है। अधोक्षजालंभ यहा शुभात्मन शरीरिण संसृति चक्र शातनम तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास ततो भजद्दं हृदये हृदीश्वरम। अधोक्षज आलंभम यह अशुभात्मन शरीरिण संसृति चक्र शातनम, भगवान के शरणापन्न होना, अधोक्षज का आलंबन कर लेना, इससे क्या होगा? इस संसार में रहते हुए भी जितने भी आपके अंतकरण विद्यमान अशुभ है, पाप है, इस शरीरिना अशुभात्मना शरीरिना अशुभात्मा भूत है शरीरी जो है उसके संस्कृति के जो चक्र है, संसार चक्र है, उसको नष्ट कर देगा। शातनम भवदी तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है जिसके शरण गए, जिसको आलंबन, एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, कठोपनिषद में कहा सबसे बड़ा आलंबन ओम है, ईश्वर है, उसको जिसने आलंबन कर लिया उसके समस्त अशुभ अंतकरण जो भी था वह सारा अशुभ नष्ट हो जाते हैं, संसार चक्र ही उसका नष्ट हो जाता है। वह तत्व जिस आलंबन करने पर ऐसा होता है उसी का नाम ब्रह्म है। निर्वाण सुगम विदुर्बुदा, उसी को लोग कहते हैं मुक्ति का आनंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है, ब्रह्मानंदित शब्दों से ब्रह्मणी निर्वाणम लयो मने मोक्षा तदात्मक मिति मन्यन्ते के विदुर्बुदा, विद्वान लोग ज्ञानी पुरुष लोग कहा करते हैं। अतएव तथा इसीलिए सुन लो तुम सब लोग क्या करोगे, कहते हृदय हृदयश्वरम भजद्म, इस हृदय में विद्यमान इस हृदय का भी ईश्वर जो हृदय आकार हार्द ब्रह्म को जो है उसी की आप लोग भी भजन करें। बताओ इसे क्या प्रयास करना पड़ेगा? शुरुआत से इतना बच्चों ने यदि मन में आया बच्चों के अरे तो भगवान को पढ़ने बहुत टाइम लगेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, उसी पर सबका कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कहीं आना भी नहीं जाना भी नहीं है, क्यों? सबके हृदय में ही है। इसलिए कहता है कोति प्रयास असुर बालका हरे उपासने स्वे हृदि छिद्रवत् सतः स्वस्यात्मन शक्तिरशेष देहिनाम सामान्यत किं विषयोपपादनैः। कोति प्रयासो, या क्याति प्रयास करना पड़ेगा तुम लोगों को बताओ है? हे भो असुर बालका हरे हे उपासने कोति प्रयास स्यात्, हरि का भक्ति करने क्या तुम्हें विशेष प्रयास करना पड़ेगा बताओ? क्योंकि स्वे हृदि एव छिद्रवत्सत, अपने हृदय रूपी छिद्र में वास करता उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्या प्रयास करना ही नहीं पड़ता विशेष भाई, तो क्यों घबराते हो? अति प्रयास करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ता। स्वस्यात्म सखी हो, क्योंकि अपनी आत्मा का जीवात्मा, अपने आप को जीवात्मा मान रहे हो जो, इस जीवात्मा का परम श्रेष्ठ मित्र भी वही है। अशेष देही नाम, केवल अपनी आत्मा का परम मित्र नहीं, सकल देहियों के अपने अपने आत्मा का परम मित्र वह परमात्मा ही है। सामान्य तो किम विषय उपपादन ही, इसलिए विषयों को ग्रहण करने से क्या लाभ होगा बताओ? जो कि क्षणिक सुख देने वाले हैं, परम सुख तो नित्य सुख देने वाले ही नहीं है, किंतु बाह्य समस्त विषयों को संग्रह करके भी कोई लाभ नहीं होता। गीता गिनाएगा भी क्या क्या है विषय उपपादन, राय कलत्रम पशव सुतादयो गृहामहि कुंजर कोश भूतयः सर्वेद कामाक्षण भंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः। ये सब चलाः, ये सब चलायमान तत्व, इन तत्वों से क्या सुख मिलेगा बताओ? कियत् प्रियं कुर्वन्ति मर्त्यस्य, इस जीव को कितना प्रेम देंगे, कितना सुख देंगे ये है? शरीर का मरने के सांस सब छूट जाने वाले हैं, ये कोई भी साथ तो कभी चलने वाले भी नहीं है। ऐसा धन होता है, पत्नी होती है, पशु होते हैं, संतान होते हैं, घर द्वार है, जमीन जायदाद है,
कुंजर हाथी है, कोश है, भूति है, अन्य ऐश्वर्य है, सर्वे दत्कामा और अन्य भी जो काम्य मान वस्तु आपका है, ये सारी चीजें क्षण भंगुरा आयुष, क्षण भंगुर आयु वाले हैं, क्षणिक विद्यमान रहने वाले हैं। ऐसे जो चलायमान पदार्थ, अनित्य जो पदार्थ है, वो इस मृत्यु को कितना सुख को दे सकते हैं सोचो। अतएव इनका पीछे में भागना नहीं है, उसके पीछे चलो जिसके पीछे जाने में कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता, और इनको बटोरने में कितने प्रयास करनी पड़ती है। और आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि एक शादी करने के लिए कितना झंझट करना पड़ता है, बाप रे बाप। अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, दुनिया भर की लड़कियों की जो इकट्ठे आ रहे हैं, उस फोटो को देखे 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 परेशान हो रहा है, उनमें से बाल एक दो को चार को चुन भी लेता है, उनके घरों में जाना, वहां देख लो, लफड़ा करो, बड़ा झंझट नहीं है। कही आते महाराज ये मेलान करके दिखाओ, बताओ गुण कितने मिल रहे हैं, अरे इतनी सारी पोथी ले आते हैं, बड़ी बड़े फाइल फाइल ले आते हैं, हाँ? दुनिया भर कितना परेशानी है, एक लड़की पत्नी के रूप में ग्रहण करने ढूंढते ढूंढते आते परेशान हो रहा है। और फिर क्या मिला, चार दिन बाद अपनी जूती उठाएगी वो, नहीं टेंशन बाजी, हम भी कम कमाते क्या, तुम क्या होते हो, चालू हो जाता है। फिर कहां है सुख, क्यों उसका पीछा, इतनी प्रयास करना पड़ा। और यहां कुछ नहीं, यहां ना अखबार देखना है ना फोटो देखना है, आंख बंद कर दो काम हो गया। यहां भगवान को वर्ण करना है, किसी लड़की को वर्ण में इतना लफड़ा है, भगवान को वर्ण करने कहां लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, केवल आंख बंद करना है, सारे अंतर्मुख सारे इंद्रियों को विषयों को त्याग करके अंतर्मुख हो जाओ, हृदय में पहुंच जाओ, वहां भगवान है, उपलब्ध हो गया। इसलिए कहते हैं यहां सर्वे काम क्षण भंगुर आयुष कुरवंती मूर्ति से कियत प्रेम, धनमी पुरुषो लोके पुरुषम धनमे वा अवश्यम एकम त्यजति तस्मात् किं गृण धन तृष्णया। कहते हैं धनमी पुरुषो लोके, ये पुरुषम धनमे वा, या तो धन पुरुष को त्याग देता है, या तो अंत पुरुष को धन को त्यागना पड़ जाता है, अंत में त्यागना तो पड़ेगा ही, अलग तो होना ही पड़ेगा इन चीजों से, ये कभी साथ रहने वाले नहीं है, सदा साथ है तो एकमात्र प्रसन्नभूत आत्मा ही है और कोई दूसरा चीज नहीं है। इसे अवश्य एकम त्यजत्येव तस्मात् किम धन तृष्णया, इसे धन की तृष्णा करके क्या लाभ है, ये कह रहा है। एवं ये लोका कृत विकृतामि क्षयिष्टव सातिशयान निर्मला तस्मात् दृष्ट श्रुत दूषणम परम भक्ति के ये भजतात्म लब्धये। एवं लोका, जैसे इस लोक के वस्तु है, इसी प्रकार के कर्म से जो तुम स्वर्ग आदि प्राप्त करने की सोच रहे हो, वे भी सारे लोग ऐसे क्षण भंगुर है। सर्वे ही लोका कृतवी कृतामि, हमारे क्रिया कर्म के द्वारा बनाए हुए हैं, अतएव क्षयिष्णव, ये सब नाश स्वभाव वाले, कोई बात नहीं बात हम ही एकमात्र रहेंगे, नहीं नहीं सातिशया वहां भी प्रतिस्पर्धा चलती है, हाँ वहां भी ये नहीं है कि तुमको सब मान लेंगे, कोई नहीं वहां भी सब लड़ाई चलती रहता है, मैं बड़ा मैं छोटे चक्कर वहां भी है, बड़ा छोटा न निर्मला, वहां कोई निर्मलता नहीं है, वहां भी राग द्वेष षड ऐश्वर्य वहां पर परिपूर्ण है। तस्मात् अदृष्ट श्रुत दूषणम परम, इसीलिए अदृष्ट श्रुत दूषणम परम, इसे जिनको देखा भी नहीं, नविति दृष्टम श्रुतंच दूषणम यस्मिन, जिसमें न श्रुत दोष है कुछ न दृष्ट दोष है कुछ, ऐसे भगवान के तुम क्यों नहीं भक्ति नहीं करते हो, इनमें तो दोष श्रुत है या दृष्ट है, इसे पुत्र कलत आदियों में दोष दृष्टि ही है और स्वर्ग आदि में दोष है ये बात श्रुत है पुराण आदियों से इतिहास के द्वारा और श्रुतियों के द्वारा है कि नहीं। लोका तथा तो अमूत्रापि, श्रुतियों ने कहा है, इसे श्रुत दोषवान ऊपर के लोक है, दृष्ट दोषवान ये सब लोक हैं, और इन सबसे अश्रुत दृष्ट कौन है दोष वाला, वो परमात्मा ही, इसे कहते हैं अदृष्ट श्रुत दूषणम, कौन है वो परम ईशम भक्तिया एकया अव्यविचारिणी अनन्य भक्ति के द्वारा आत्मलब्ध है स्वरूपानुभूति करने के लिए भजतो, आप सब लोग भजन करें उस परमात्मा की। तथा कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते, श्रुति है
और दृष्ट भी है इस लोक के विषयों में, है ना, पुण्य की तारतम्यता आधार पर यहाँ भी कोई सुखी कोई दुखी है, सब कुछ चल रहा है, ऊपर भी वही हाल है, सर्वत्र ही स्पर्धा आदि मत तो सब जगह देखकर मिलता है। लेकिन न विदिते दृष्टम वा श्रुतम वा दूषणम यस्विन तत् अदृष्ट श्रुत दूषणम वकर्णे वो परमात्मा ही है। कोई कहा जब क्यों नहीं, वहां भी तो लोगों ने दोष को देखा, राम जी पर दोषारोपण किया था, कृष्ण पर लोगों ने दोषारोपण किया था, लोग कह सकते हैं, है कि नहीं, वो भी लीलामय वस्तु में है, वह लीला भी कुंचित विशेष ज्ञान बोध कराने के लिए, सामर्थ्य का प्रश्न करने के लिए भी है, उस चीज को बोलना नहीं, इसलिए वह आरोप आरोप नहीं है, वह सत्य आरोप नहीं है, वास्तविक दोष नहीं है। अतएव कहते हैं हाँ, यद्यर्थ्येह कर्माणि विद्वन मान्य सकृन नरः करोत्यतो विपर्यासम अमोघम विन्दते फलम। यद अध्यर्थ्य यह कर्माणि, जिस संकल्प को लेकर के आपने यहां इस संसार में विभिन्न प्रकार के कर्मों को करते हो, विद्वन मान्य सकृन नरः, विद्वन मान्य सकृन नरः, संकल्पित से लेकिन अंत में उसको मिलता क्या है, करोति असकृत नरक विद्वन मानी, विद्वान नहीं है, विद्वन मानी है, वो विद्वान के सदृश है, पंडितम मानी जैसे होता है, हाँ अपने आप पंडित हो तो पंडित मान रहा है, विद्वान तो विद्वान मान रहा है, और ये सोच रहा है मैं कर्म के द्वारा मोक्ष को पालूंगा, और असकृत दिन रात कई प्रकार के कर्मों को करने में लगा रहता है मनुष्य, लेकिन करोति अंत में क्या होता है, अत विपर्यासमेव अमोघम विन्दति फलम। इसलिए का विपरीत उसको क्या मिलता है, कद विपरीत में जाकर फलम अमोघम अवश्यम प्राप्त होती, अवश्य अमोघ फल को प्राप्त करता है। तदेव दर्शयति, उसको दर्शा रहे सुखाय दुख मोक्षाय संकल्पय कर्मिणः सदा आपनोति यह या दुखम अनीहाया सुखाव्रत। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्पय कर्मिणः, कर्मी लोग क्या करते हैं इस संसार में, संकल्प क्यों कर रहे हैं, दुख से मुक्ति पाने सुख को प्राप्त करने के चक्कर में दुनिया भर कर्म कांड करने में संकल्प करते हुए लगे रहते हैं, लेकिन सदा अपनोति यह दुखम में, लेकिन अंत में दुख ही पाते ही है सब, किंतु अनियया सुखाव्रत, अनियाया सुखाव्रत कह दिया, पूर्वम अनियाय पूर्वम अनियाया है तो सुखे नावृत, जो पहले कोई संकल्प नहीं था, जब संकल्प नहीं था सुख से डूबा हुआ था, मस्त था, अब एक संकल्प आ गया सारा लफड़ा में खड़ा हो गया बेचारा, अब जैसे आप जहां भी रह रहे मस्त रह रहे, अब मान लो कोटारे निकाल दिया मन में संकल्प, कहीं और रहना पड़ेगा, अब क्या करें, अब सारे दिमाग चलने लगा, चलो दाल नहीं, कहां जाऊं कैसे जाऊं क्या करूं कैसे, वहां कौन रहेगा वहां कैसे होगा, कहां अच्छा है कहां खराब, सब सोचना पड़ जाता है, एक संकल्प से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। यदि बद्रीनाथ जाना है संकल्प कर लो आप, फिर देख लीजिए तुरंत नोट गिननी पड़ेगी, पहले कितनी नोट टिकट के लिए यानी शुरू हो जाता है सारा झमेला, जाने के संकल्प मत करो, लफड़ा खत्म, चाहे नोट हो या ना हो क्या चिंता है, फिर है क्या लफड़ा, फिर कुछ नहीं, यदि संकल्प ही दुख का नहीं, संकल्प है तो आराम से सुखी है। कामान काम ये काम्य यदर्थम यह पुरुष सवै देहस्त पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च, कामान काम्य यदर्थम यह पुरुष कामयति, पुरुष जो है जिसके लिए इस शरीर में रहकर विभिन्न प्रकारों को कामनाओं के द्वारा विभिन्न कामनाओं को प्राप्त करने की कामना करता है, सवै देहस्त पारक्य, वह देह भी अपना नहीं रह जाता, वो भी पराया हो जाता है, भंगुर याति उपैति च, ये विनाशी है आते जाते रहने वाला होता है। इसलिए कहता है किंच कामान भोगान काम्य विषय ही कर्म भीरवा पारक्य स्वादि भोग्यो न तो आत्मियो, ये शरीर जिसके लिए आप सारा भोग विलास इकट्ठा कर रहे हैं, अंत में शरीर भी अपना नहीं रह जाता है, ये भी अंत कुत्ता आदि का हो जाता है, या तो जला दिया जाता है, कुछ न कुछ पर तत्व ही को प्राप्त होता है। अतएव इस शरीरार्थ कामनाओं को इकट्ठा करना, काम्य वस्तुओं को इकट्ठा करना उचित नहीं है,
अति इनमें समय व्यर्थ गवाने की अपेक्षा से अच्छा है कि हम जो भगवान की भजन में लग जावें।